तो कुछ फिनोमिनाज जिसके ऊपर सरफेस टेंशन बेस्ड है, या ऐसा बोल सकते हैं कुछ फिनोमिनाज डेली लाइफ में जहां आपको सरफेस टेंशन देखने को मिलेगी, या आपने सरफेस टेंशन को ऑब्जर्व नहीं किया होगा लेकिन वो फिनोमिनाज आपने जरूर देखे होंगे, लेकिन आज आप देखेंगे उसकी एक्सप्लेनेशन सरफेस टेंशन देगा। जैसे पहला, सपोज करो आपके पास एक पेंटिंग ब्रश है, पेंटिंग ब्रश आपने पानी में डाल दिया। जब पानी में डाला तो इसके जो हेयर है वो एकदम तैरते हैं, जैसे ही बाहर निकालते हो वो चिपक जाते हैं, ऐसा हो जाता है। अब आपको ऐसा होता है तो होता है यार, चिपक गए। अब चिपक कैसे गए? ठीक, एडहेसिव और कोहेसिव फोर्सेस की गेम है सारी, कहीं ना कहीं कुछ तो चिपका रहा है। हो क्या रहा है, जब ये हेयर ब्रश पानी में है तो हर जगह पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, नेट फोर्स पानी पानी के मॉलिक्यूल पे क्या रहती है, जीरो, बात खत्म, तो हेयर इज फ्री टू मूव। लेकिन जैसे ये पानी से बाहर निकलता है तो बाहर क्या है, एयर, और अंदर क्या है इसके, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स, पानी पानी अंदर। अब हमने उन मॉलिक्यूल्स को कंसिडर करना है जो बिल्कुल बाउंड्री पे हैं। इसको बाउंड्री के सरफेस को क्या बोलते हैं, फ्री सरफेस। तो फ्री सरफेस पे ही सरफेस टेंशन की गेम लगेगी, क्योंकि एयर एयर चाहेगी कि पानी का मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल इसकी तरफ आ जाए, और पानी का मॉलिक्यूल चाहेगा कि अंदर की तरफ आ जाए। पर कौन जीतेगा? पानी पानी जीतेगा, एयर क्यों जीतेगी? तो ऑब्वियसली किसकी फोर्स बड़ी होगी? पानी, और पानी की फोर्स बड़ी होगी। तो अंदर के पानी के मॉलिक्यूल बाहर के पानी के मॉलिक्यूल को खींच लेंगे और ये सारा का सारा ब्रश क्या हो जाएगा, टाइट हो जाएगा और चिपक जाएंगे, क्योंकि वाटर वाटर के मॉलिक्यूल को बाउंड्री पे खींच लेगा तो वो चिपक जाएंगे, एयर खींच नहीं पाया तो इसलिए वो चिपक जाएंगे। तो समझ में आ रहा है प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस टेंशन, कि अगर मान लो ये ब्रश थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, ये ब्रश ऐसा चिपक गया इस तरीके से, तो ये पानी के ये मॉलिक्यूल्स हैं या लिक्विड ही लिक्विड है, बाहर एयर है, तो बाकी पानी के मॉलिक्यूल इसे खींच लेंगे अपनी तरफ, एयर नहीं खींच पाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये चिपक जाएगा। दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस टेंशन। तो पहला एग्जाम्पल क्लियर है जो डेली रूटीन में हम नॉर्मली देखते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। दूसरा, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि रेन ड्रॉप्स जो छोटे छोटे पानी की बूंदें होती हैं वो स्फेरिकल इन शेप होती हैं। कभी सुने क्यूब के डिब्बे गिर रहे हैं, पानी के क्यूब के डिब्बे गिर रहे हैं रेन में? नहीं, ऐसा नहीं होता। क्यूब नहीं गिरता, क्यूबॉइड नहीं गिरता, सिलेंडर नहीं गिरता, स्फेयर गिरता है। स्फेयर क्यों गिरता है? क्योंकि जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं लिक्विड के, उनके अंदर क्या भरा हुआ है, लिक्विड ही लिक्विड भरा हुआ है। इनके बाहर क्या है, एयर है। इनके बाहर क्या है, एयर है। अब जैसे ये छोटा बूंद आया, ड्रॉप आया, तो इसके बाउंड्री पे, बाउंड्री को क्या बोलते हैं, फ्री सरफेस। इसकी फ्री सरफेस पे जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं उनको एयर अपनी तरफ बाहर खींच रही है, लेकिन लिक्विड लिक्विड को अपनी तरफ अंदर खींच रहा है, और अपने एरिया को क्या कर रहा है, मिनिमाइज। और सबसे छोटा एरिया किसका पाया जाएगा, स्फेयर का। तो ये शेप क्या एक्वायर कर लेंगे, स्फेयर, अपने एरिया को मिनिमाइज करेंगे, अंदर का पानी बाहर के पानी को अपनी तरफ हर तरफ खींच लेगा, तो दे आर इन स्फेरिकल इन शेप। लेकिन कुछ पानी के जो ड्रॉप्स हैं, बूंदें जो बड़ी ऐसी भी होती हैं, ऐसी भी होती हैं, वो बड़ी होने की वजह से, मास बढ़ने की वजह से वेट का इफेक्ट आ जाता है, ग्रेविटी की वजह से वो बड़ी हो जाती हैं, छोटे का वेट हल्का होता है तो वो स्फेरिकल होती हैं। पर वैसे बता रहा हूँ, इसके आंसर नहीं आएगा, ज़्यादातर स्फेरिकल होती हैं। स्फेरिकल छोटे ड्रॉप्स हमेशा स्फेरिकल बनेंगे, वेट बहुत कम होता है, और सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी से क्या होता है, अपने एरिया को मिनिमाइज करते हैं, पानी पानी को खींच लेते हैं और स्फेरिकल जो है शेप एक्वायर करते हैं। इवन ये भी आपने देखा तो नहीं होगा, पर वैसे बता रहा हूँ कि स्मॉल मर्करी ड्रॉप्स आर स्फेरिकल एंड लार्ज टेंड टू फ्लैटन। कभी आपने मरकरी देखी है, मरकरी के ड्रॉप्स देखे हैं आपने, एक्चुअल में मरकरी देखी है? नॉर्मली जब थर्मोमीटर टूटता है तो मरकरी जो अंदर देखते हो वो बाहर निकलती है। बहुत डेंजरस है मरकरी, क्योंकि मरकरी काबू में नहीं आती ना, ब्लड के साथ मिक्स नहीं हो सकती मरकरी। मरकरी इतनी, मरकरी मरकरी की फोर्स इतनी स्ट्रांग होती है कि आप मरकरी, गीली मरकरी टब में डाल दो और खुद उसमें कूद जाओ और बाहर निकलाओ, तब भी आप गीले नहीं होंगे। तो हाथ डालोगे, हाथ गीला नहीं होगा, ठीक, क्योंकि मरकरी और हमारे मॉलिक्यूल की फोर्स स्ट्रांग नहीं है। मरकरी मरकरी इतनी स्ट्रांग है कि वो मरकरी दूसरी मरकरी के मॉलिक्यूल को छोड़ने को ही तैयार नहीं है, पकड़ के रखती है उसे। तो हाथ कैसे गीला होगा? हाथ गीला तब होगा जब हमारा मॉलिक्यूल मरकरी को खींच ले, हमारा खींच नहीं पाता, मरकरी मरकरी खींच पाता, सारी मरकरी उखाड़ के ले जाती है, तो कोई बचता ही नहीं हमारे पास। मरकरी जब टूटती है ना, तो जब मान लो गिर गई किसी बेड के ऊपर या किसी टेबल के ऊपर, आप क्या करो उसको ना, जरा हल्का सा हाथ मारो, उसके छोटे टुकड़े हो जाएंगे, ड्रॉप्स, छोटे छोटे स्फेरिकल ड्रॉप्स बन जाते हैं, स्फेयर ही बनेगा हमेशा। क्यों? क्योंकि मरकरी के ड्रॉप्स की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है,
तो अपने एरिया को क्या करते हैं फिर से मिनिमाइज। एयर की तो मजा ली नहीं, उसको छीन ले हमारी बॉडी के साथ चिपकनी, एयर कहाँ से करेगी, एयर की फोर्स तो बहुत ही वीक है मरकरी मरकरी के सामने, तो वो शेप क्या एक्वायर कर लेंगे स्फेरिकल, तो स्फेरिकल शेप एक्वायर करेंगे। और ये फ्लैटन इसलिए क्योंकि वेट का इफेक्ट आ जाता है, ये फ्लैटन भी हो जाते हैं, पर ज्यादातर जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं वो स्फेरिकल ही पाए जाएंगे। इवन अगर आप ये भी देखें, आप गीला मान लो एक मोल्टन आयरन, आयरन को बहुत गर्म करें लिक्विड स्टेट में, उसके उसको ठंडे पानी में छोटी छोटी बूंदें डालें, तो जो बूंदें निकलेंगी वो स्फेरिकल गोलियां निकलेंगी अपने आप ही, छोटे छोटे स्फेयर। क्यों? आयरन, आयरन की फोर्स भी बहुत स्ट्रांग है एज कंपेयर टू आयरन एंड वाटर, तो पानी खींच नहीं पाता आयरन को। आयरन आयरन अपने एरिया को क्या करता है पानी के अंदर मिनिमाइज, जब सूखता है सरफेस एरिया मिनिमम करके सूखता है बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन, तो उसकी शेप क्या निकलती है स्फेरिकल। ठीक है यहां तक? तो सबका एक ही आंसर है कि एरिया को मिनिमाइज करना है तो शेप स्फेरिकल है। एक बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंट किया किसी ने, क्या एक्सपेरिमेंट किया, आपने देखा होगा वो छोटे बच्चे ना मार्केट जाओ तो बबल्स बबल्स आते हैं, मुझे बबल दे दो, जिद करते हैं, स्टेन गन साबुन डाल लो उसमें, साबुन लिक्विड सोप, और आजकल तो सेल के साथ है, बटन दबाओ बबल्स ही बबल्स फेंकता रहता है। पहले ऐसा नहीं होता था, आजकल थोड़ा ज्यादा चला हुआ है इलेक्ट्रॉनिक वाला, पहले लोग आज भी जाते हैं, पहले भी ऐसा होता था, इतनी सी एक डिब्बी मिलती थी, इतना सा साबुन होता था, उसमें एक रिंग मिलती थी ऐसी हल्की सी छोटी सी रिंग, इतनी सी रिंग होती थी, एक रिंग होती थी, उसको उसमें डाल लो साबुन के अंदर, एक फिल्म आ जाती थी उस पर, सोप फिल्म ऐसी चिपक जाती थी, फिर आप एयर ब्लो करते थे, हवा मारते थे, फूक मारते थे और उसमें बबल निकलने स्टार्ट हो जाते थे, ऐसे निकलते एक का दुक्का ही थे बिकॉज आप इलेक्ट्रॉनिक तो है नहीं सिस्टम। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो इमेजिन करो कि आपने एक ऐसी रिंग ले ली और सोप सॉल्यूशन में उसको डाल दिया, तो सोप यहां पर फिल्म आ गई, फिल्म समझते हो, सोप की फिल्म, साबुन आ गया यहां पे, बहुत पतली फिल्म होती है साबुन की। तो किसी ने क्या किया, इस सोप की फिल्म के ऊपर एक धागा, ये धागा है थ्रेड, क्लोज्ड है बिल्कुल बंद है हर तरफ से, एक धागा लिया और इसको गीला करके उसी सोप के अंदर गीला कर लिया ताकि पानी के मॉलिक्यूल उसके ऊपर चिपक जाएं, गीला करके इसको इसके ऊपर डाल दिया, गीला किया और जेंटली, बहुत मुश्किल है करना, इतना आसान नहीं है इसको करना, क्योंकि ऐसा ज्यादा जोर लगेगा तो ये सोप की फिल्म फट सकती है ना, ज्यादा ज्यादा टिकती भी नहीं है, अपने आप भी चली जाती है, अपने आप ऐसा होता ही है, पर आप ज्यादा जोर की दबाओगे तो टूट जाएगी, जेंटली प्लेस करना है। और अब चलो आप कामयाब हो गए, आपने धागा रख दिया, फिर आपने एक पिन लिया, या प्रिक कर दिया, एक होल कर दिया इसके अंदर, जब होल किया तो क्या हुआ, ये अंदर का जो सोप है ना, अंदर वाला सिर्फ, बाहर वाला नहीं, सिर्फ इनसाइड वाला, वो चला गया। अब सोप आपको सिर्फ और सिर्फ यहां नजर आएगा, बस ये सोप है ना, ये अंदर वाला सोप तो उड़ा दिया आपने, बाहर बाहर रह गया, किसके किसके बीच में, रिंग और थ्रेड के बीच में सोप रह गया, रिंग और धागे के बीच में सोप अभी बचा हुआ है, इसको पड़े रहने दें। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे इसकी जो शेप है बिल्कुल स्फेरिकल हो जाएगी, धागा ऐसे रखा था, प्रिक किया, शेप ही हो गई, स्फेयर बन जाएगा। क्यों बनेगा स्फेयर, ये देखो, स्फेयर इसलिए बना क्योंकि ये जो पिंक कलर का पोर्शन देख रहे हो जिसमें सोप है, ये अपने एरिया को क्या करेगा, मिनिमाइज, मिनिमाइज करने के चक्कर में ये खींचेगा। अब रिंग को तो खींच नहीं पाएगा, वो तो सॉलिड है, मींस जो रिजिड बॉडी है, धागा तो मूवेबल है, मूवेबल है, तो धागे को यहां से भी फोर्स लग रही है, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी और यहां से भी, ठीक, तो धागा क्या हो जाएगा, और अपने एरिया को, ये सोप के एरिया को क्या करेगा, मिनिमाइज, थोड़ी देर में ये शेप क्या अक्वायर कर लेगा, एक स्फेरिकल, सॉरी सर्कल। तो बेसिकली क्या होगा, इस धागे को हर तरफ से फोर्स लग रही है ताकि पिंक कलर का ये वाला एरिया क्या हो जाए, कम से कम हो जाए, तो शेप चेंज हो जाएगी बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन, क्योंकि सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी ये कहती है कि लिक्विड अपने सरफेस एरिया को मिनिमाइज करेगा और मिनिमाइज करने के चक्कर में धागे का एरिया बढ़ा देगा, अंदर वाला एरिया बढ़ा देगा और ये वाला एरिया कम से कम कर देगा बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक, एक्सपेरिमेंट क्लियर है। नेक्स्ट है, एक मान लो नीडल है, नीडल की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ना ज्यादा होती है, और ये सुना होगा कि सुई तो डूब जाती है पानी के अंदर, डूबती है, बिल्कुल डूबती है, आप डुबा के देख लो घर पर डूबेगी, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि तैरेगी, आप अगर एक
लिक्विड लें, जैसे आपने एक वाटर लिया, ठीक, ये वाटर की सरफेस है, बिल्कुल फ्लैट थी, यहाँ पर इमेजिन करें सरफेस टेंशन डेवलप हो गई, मॉलिक्यूल बहुत पास पास आ चुके हैं और टॉप की सरफेस इज एक्टिंग लाइक अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, इसके ऊपर आपने एक सिलेंड्रिकल नीडल ली और प्लेस कर दी, रख दी। सिलेंड्रिकल है, सिलेंड्रिकल का मतलब ऐसी है लेकिन आपको ये सर्कल दिखेगी साइड से, साइड ऐसे पड़ी हुई है। अब इमेजिन करना जरा, आपने इसको ज़्यादा जोर की प्लेस कर दी तो ना मॉलिक्यूल हिल जाएंगे, जब हिलेंगे तो दूर दूर हो जाएंगे, तो फिर सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी, वो इलास्टिक मेम्ब्रेन खत्म हो जाएगी, फिर डूब जाएगी। पर इमेजिन करो आपने इतनी जेंटली प्लेस किया कि पानी का मॉलिक्यूल हिला तक नहीं, अब कैसे किया वो छोड़ो, हिला तक नहीं, तो क्या होगा, इसके भार से, ये भारी है, इसके भार से ये ऐसी शेप कुछ एक्वायर कर लेगा, क्योंकि नीडल इसके ऊपर प्रेस करेगा, जब नीडल प्रेस करेगी तो शेप थोड़ी सी मुड़ जाएगी, ऐसे टूटी नहीं है मेम्ब्रेन, टूटी नहीं है, टूट गई फिर तो गेम ही, घर चलते हैं यार, सरफेस टेंशन ही खत्म कर दी तो चैप्टर में क्या पढ़ाऊंगा, सरफेस टेंशन तो होनी जरूरी है तभी कुछ पढ़ेंगे, तो तोड़ना नहीं है, तो ये बेंड हो जाएगी मेम्ब्रेन, टेढ़ी हो जाएगी, यहां तक क्लियर है, तो टेढ़ी हो गई, जब ये टेढ़ी होगी नीडल इसके ऊपर टिक जाएगी, आर्कमिडीज कहता है कि नीडल तो डूबेगी, मैंने इस नीडल को पानी के अंदर नहीं डाला, पानी की एग्जैक्टली सरफेस के ऊपर रखा है, ऊपर रखने में और तैरने में फर्क होता है, इसको सिर्फ ऊपर रखा गया है ताकि मेम्ब्रेन इसके भार को उठा सके, मेम्ब्रेन इलास्टिक है तो अपनी शेप को चेंज करके इसके भार को कैसे उठा रही है, ये देखो सरफेस टेंशन जहां जहां होगी वहां वहां फोर्स भी तो होगी, क्योंकि यहां पर अगर सरफेस टेंशन डेवलप हो चुकी है इसका मतलब यहां पर फोर्स भी डेवलप हो चुकी है, इसमें फोर्स भी होगी। तो एक पॉइंट याद रखना, अगर ये लिक्विड की सरफेस है, ठीक, लिक्विड की सरफेस है, तो अगर ये लिक्विड की सरफेस है, इसके ऊपर अगर मैं फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन पूछूं तो याद रखना ये फोर्स टेंजेंशियल टू द सरफेस होती है। मैंने रिपीट कर रहा हूं, अगर मैं कोई लिक्विड का सरफेस दूं और आपसे ये पूछूं कि उस लिक्विड के सरफेस के ऊपर किसी पॉइंट पे फोर्स ड्रॉ करो सरफेस टेंशन की, ड्रॉ अ टेंजेंट और नेट फोर्स जीरो शो कर दो, बात खत्म। लेकिन आपकी इस केस में सरफेस थोड़ी सी कर्व हो चुकी है, ऐसी देख रहे हो, ये कर्व हो गई, ऐसे कर्व हो गई, तो आपकी जो फोर्स यहां पे कर्व पे बनेगी वो क्या बनेगी, टेंजेंट। अब टेंजेंट कैसा बनेगा, टेंजेंट ऐसा बनेगा जैसे इसमें ड्रॉ किया हुआ है, देख रहे हो ये रही टेंजेंट, ये सरफेस है और ये टेंजेंट ऐसे है। अगर आप इस सरफेस को, जैसे ये सरफेस ऐसी है तो ये टेंजेंट ऐसे बनेगा, ठीक है, जैसे नीडल है, नीडल है, टेंजेंट ऐसे बनेंगे, तो दिस इज फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। हाँ, अगर ये फ्लैट होती सरफेस ऊपर उठ जाएगी, ये केस हो जाएगा, फोर्स फिर से ऐसे हो जाएगी, तो अगर ये फ्लैट है तो फोर्स ऐसी है, अगर ये कर्व हो गई तो फोर्सेस ऐसे उठ जाएंगे, डिपेंड करता है कितना कर्व है, जितना कर्व होगा फोर्सेस ऐसे उठेंगी, कर्व नहीं है तो फ्लैट रहेगी, क्योंकि कर्व हो चुकी है ऐसी, तो इस कर्व का इधर टेंजेंट, इस कर्व का इधर टेंजेंट, क्या ये पॉइंट क्लियर है। तो इसमें सरफेस टेंशन की फोर्सेस थोड़ी ऊपर उठ गई और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से सरफेस टेंशन की नेट फोर्स कहां पर आ गई, ऊपर, जिसने किसको बैलेंस कर लिया, नीडल के वेट को बैलेंस कर लिया। कोई कहता है सर अपथ्रस्ट नहीं लिया आपने, भाई पानी के अंदर तो नीडल गई नहीं, अभी पानी के मॉलिक्यूल के सर के ऊपर बैठी है बस, अंदर तो गई नहीं, तो पानी के मॉलिक्यूल की सरफेस ने, इलास्टिक सरफेस ने फोर्स ऐसी लगाई सरफेस टेंशन की ऊपर की तरफ कि नीडल के वेट को क्या कर लिया गया, बैलेंस, नीडल टिक जाएगी। ये तैरना नहीं बोलते से, नीडल तैरती है नहीं, तैरती नहीं है, पर टिक गई। सोचो अगर आपने पानी को हिला दिया, मॉलिक्यूल हिला दिए, सरफेस टेंशन खत्म कर दी, स्टिल वाटर में होगी सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन खत्म कर दी आपने, तो ये फोर्स जीरो, ये फोर्स जीरो, अब नीडल क्या करेगी, पक्का डूबेगी, डूबेगी, उसका वेट उसको नीचे ले जाएगा। तो नीडल को टिकाया जा सकता है बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन की दोनों फोर्सेस का नेट रिजल्टेंट फोर्स वेट को क्या कर जाएगा, बैलेंस। इससे और बढ़िया एग्जाम्पल है, बढ़िया एग्जाम्पल ये है, एक मॉस्किटो को, मच्छर को तैरना नहीं आता, वो स्विमिंग नहीं सीखता, पानी को धकेलूंगा और तैरता हुआ जाऊंगा, मच्छर मर जाते हैं पानी के अंदर, चलते हैं पानी में पक्का मरेंगे, तैरना नहीं आता उन्हें, स्टिल वाटर में पानी बिल्कुल खड़ा हुआ है बहुत दिनों से,
मच्छर पैदा भी होता है और वहां आराम से रेस्ट भी करता है, आराम से लाखों मच्छर हजारों मच्छर देख सकते हो, आराम से बैठे हुए हैं, तैर थोड़ी ना रहे हैं, उनके ऊपर बैठे हुए हैं, क्योंकि लीकोड में क्या डेवलप हो चुकी है, स्ट्रेच्ड सरफेस टेंशन एंड इट इज एक्टिंग लाइक अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। तो उसके साथ भी तो यही हुआ ना। तो एक बग, ये रहा एक बग, ये बग है, ये रहा, इसकी आंखें भी हैं, ठीक है, ये इसकी मूछें हैं और ये टांगे हैं, तो इसकी टांगे हैं ऐसी, तो ये राउंड टांगे हैं ऐसी, ये ऐसी। तो इसने क्या किया, ये स्ट्रेच मेम्ब्रेन था ना, इसकी शेप को चेंज कर दिया, तो मेम्ब्रेन, ये इसकी टांगे हैं, तो जो लिक्विड था उसकी शेप ऐसी हो गई, ये लिक्विड है, ये शेप ऐसी कर गया, क्योंकि इसकी टांगों के बोझ से लिक्विड का मेम्ब्रेन कर्व हो गया। तो सरफेस टेंशन की जो फोर्स है, नेट कहाँ एक्ट करेगी, इस टांग पे ऊपर, यहां पर भी कहाँ काम करेगी, नेट ऊपर, जो कि दोनों फोर्सेस इसके वेट को क्या करेंगी, बैलेंस। अगर सरफेस टेंशन ना होती, पानी चल रहा होता, तो ये डेवलप ही ना होता, मच्छर ने डूबना ही डूबना था, उसको कौन सा तैरना आता है। तो दिस इज बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन कि वो बैठ सकता है। पॉइंट समझ में आ रहा है कि एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन क्या है।